19वीं शताब्दी से पहले महान कलाकारों द्वारा बनाई गई कई पेंटिंग आज संग्रहालय में रखी गई है, जहां जनता उसे देख सकती है। सबसे महंगी पेंटिंग की बात करें तो कईयों को अमूल्य माना जाता है, क्योंकि संग्रहालय शायद ही उसे बेचना चाहते हों। कभी आपने सोचा है कि मोनालिसा की पेंटिंग की क्या कीमत होगी आज? इतिहास में सबसे मूल्यवान पेंटिंग की बात करें तो यह निश्चित रूप से लियोनार्डो द विंची की पेंटिंग मोनालिसा को ही जाता है। साल 1962 में इस पेंटिंग का मूल्यांकन लगभग $100 मिलियन के मूल्य पर किया गया था, जो कि 2022 में लगभग $860 मिलियन के बराबर होगी। इस वीडियो में हम आज तक की बेची गई सबसे महंगी पेंटिंग की बात करने वाले हैं, जो शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, नंबर 17A अमेरिकी चित्रकार जैक्सन पोलॉक द्वारा चित्रित किया गया था, जो कि अपने अमूर्त अभिव्यक्तिवादी आंदोलन में अपने प्रमुख योगदान के लिए जाने जाते हैं। वह अपने ड्रिपिंग तकनीक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। नंबर 17A इसी तकनीक पर बनाई गई एक चित्रकला थी, जिसे 1948 में पूरा किया गया था। साल 2016 में इसे डेविड गेफेन द्वारा अमेरिकी हेज फंड मैनेजर तथा उद्यमी कैनेथ कॉर्डेल कैन ग्रीफन को लगभग $200 मिलियन में बेचा गया, जो इसे 5वीं सबसे महंगी पेंटिंग का दर्जा देती है। नंबर 4, वैन विल यू मैरी एक तेल चित्रकला है, जिसे फ्रांसीसी पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट कलाकार पॉल ग्योने द्वारा 1892 में पूरा किया गया था। यह 1x77 सेंटीमीटर यानी 40x30 इंच की माप पर बनाया गया है। फरवरी 2015 को इसे रोडोल्फ स्टैनकेलिन द्वारा इसे शेख अलमायसा बिंट हमद अली थानी को $210 मिलियन में बेचा गया, जो इसे 4थी सबसे महंगी पेंटिंग बना दिया है। बताया जाता है कि इसे कतर के उसी परिवार ने खरीदा था, जिसने 2011 में पॉल सेजनी द्वारा चित्रित द कार्ड प्लेयर को $250 मिलियन में खरीदा था। नंबर 3, द कार्ड प्लेयर्स। तीसरे नंबर की सबसे महंगी पेंटिंग की बात करें तो ये जाता है फ्रेंच पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट कलाकार पॉल सेजनी द्वारा चित्रित द कार्ड प्लेयर्स को। यह तेल चित्रों से सुसज्जित अपनी सीरीज की आखिरी ज्ञात पेंटिंग है, जिसे 1890 से 1895 के मध्य पूरा किया गया था। द कार्ड प्लेयर्स के 5 ज्ञात संस्करण हैं। कार्ड प्लेयर्स के इस संस्करण को 2011 के कतार के शाही परिवार को लगभग $250 मिलियन यानी 2021 में $284 मिलियन में बेचा गया, जो इसे 3री सबसे महंगी पेंटिंग बनाती है। नंबर 2, इंटरचेंज। डच अमेरिकी अमूर्त अभिव्यक्तिवादी चित्रकार विलियम डी कॉनिंग द्वारा तेल के रंगों से कैनवास पर बना एक चित्र का नाम है। इसे 200.7 से 175.3 सेंटीमीटर के माप पर बनाया गया, जिसे 1955 में पूरा किया गया था। यह अब तक की दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग है, जिसे सितंबर 2015 में डेविड गेफेन फाउंडेशन द्वारा कैनेथ सी ग्रिफिन को $300 मिलियन में बेचा गया, जो इसे दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग बनाती है। हालांकि यह लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई पेंटिंग सल्वतार मुंडी को पार नहीं कर पाई। नंबर 1, सल्वतार मुंडी को इतालवी पूर्ण जागरण कलाकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा फ्रांस के लुई सोलवा तथा उनकी पत्नी एने और ब्रिटनी के लिए संभवतः 1500 के आसपास चित्रित किया गया था। इस पेंटिंग में यीशु को पूर्ण जागरण की पोशाक में दर्शाया गया है, जो कि अपने दाहिने हाथ में क्रॉस का चिन्ह बनाते नजर आ रहे हैं तथा उनके बाएं हाथ में एक पारदर्शी क्रिस्टल अर्ब को पकड़े दिखाई दे रहे हैं, जो उनकी भूमिका को सल्वतार मुंडी यानी लैटिन में कहे तो वर्ल्ड ऑफ सेवियर यानी कि दुनिया के रक्षक के रूप में दर्शाती है। यह लियोनार्डो के 20 से कम ज्ञात कारों में से एक था। 15 नवंबर 2017 को इसे अरब के संस्कृत मंत्री प्रिंस ब्रदर बिन अब्दुल्ला को $450.3 मिलियन में नीलामी में बेचा गया, जो इसे अब तक की सार्वजनिक नीलामी में बेची गई सबसे महंगी पेंटिंग का नया रिकॉर्ड स्थापित करती है।